लड़के हो या लड़कियाँ, ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम से सभी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स होने का सबसे बड़ा रीज़न होता है अनक्लॉग पोर्स। पोर्स में गंदगी जमा हो जाती है जिससे कि वो व्हाइट हेड्स ब्लैक हेड्स बन जाते हैं, जो कि दिखने में बड़े बेकार लगते हैं। फेस एकदम बेकार लगता है। अगर आप हाथ से प्रेस करके इसको निकालोगे तो कई बार मार्क्स भी बन जाते हैं। ब्लैक हेड्स मोस्टली आपके नोज़ एरिया पे, चिन पे, कुछ लोगों के चीक्स पे या बैक पे भी हो जाते हैं, पर ये नोज़ पे सबसे ज़्यादा होते हैं। इसीलिए आज एक ऐसे प्रोडक्ट को ट्राई करने वाली हूँ जिससे नोज़ के सारे ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, डर्ट, इम्प्योरिटीज़ निकल जाएंगी। तो आज मैं यूज़ करने वाली हूँ ये हिपहॉप के स्किन केयर के क्लेंजिंग चारकोल नोज़ स्ट्रिप्स। ये मैंने पहले कभी यूज़ नहीं किए हैं, ये मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ करने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं ये कुछ काम करते हैं या नहीं। सबसे पहले इस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये हिपहॉप स्किन केयर के क्लेंजिंग चारकोल नोज़ स्ट्रिप्स हैं जो कि डर्मेटोलॉजिकली एंड क्लिनिकली टेस्टेड हैं। ये पेनलेस एंड इंस्टेंट रिमूवल ऑफ ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स और ऑयल एंड डर्ट को भी रिमूव करते हैं। पूरे पैकेजिंग पे डायरेक्शन वगैरह दिए हुए हैं। और MRP की बात करें तो ये 90 रुपीज़ का है। आफ्टर डिस्काउंट आपको 60-70 रुपीज़ का मिलेगा। और 24 मंथ्स तक इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं इसको यूज़ कैसे करना है। इसको यूज़ करने के लिए अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लीजिए, स्पेशली अपनी नोज़ को। और ड्राई स्किन पे इसको यूज़ नहीं करना है। नोज़ को थोड़ा सा हॉट वाटर से गीला कर लीजिए, या आप चाहें तो स्टीम भी ले सकते हैं। फिर इसको पेस्ट करके पुल करना है। तो आगे मैं करके भी बताऊँगी। इसमें कुछ क्विक टिप्स भी दिए हुए हैं, जैसे कि आप अच्छे रिजल्ट्स के लिए इसको वीक में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और इसको जब भी आप पेस्ट करें अपने नोज़ पे तो कोई भी क्रीजेस नहीं होना चाहिए। क्रीज होने से अच्छे से नहीं निकल पाएगा। और जब भी आप इसको अपने नोज़ पे लगाते हो तो अगर पेन होता है निकालने में तो फिर से उस एरिया को आप वेट कर लीजिए जिससे कि आपको पेन ना हो। कुछ प्रिकॉशंस भी दिए हुए हैं, जैसे कि अगर आप इसको सैशे को ओपन कर लेते हैं तो यूज़ करना ही करना है। और स्किन पे कोई इरिटेशन है, कट्स हैं, मोल्स हैं, वॉट्स हैं, तो आप इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं कीजिए। जब भी आप इसको यूज़ करें फेस क्लीन होना चाहिए, कोई भी कॉस्मेटिक या मेकअप वगैरह आपके स्किन पे नहीं होना चाहिए। और हो सकता है अगर आप जहाँ रहते हो वहाँ ह्यूमिड हो, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हो, तो इसको निकालने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। और हो सकता है कि ये उतने अच्छे से काम ना भी करे। इसको अंदर से देख लेते हैं ये कैसा है। ये 3 सैशे मिलते हैं। जैसे कि बाहर सारा इंफॉर्मेशन मेंशन था, डायरेक्शन मेंशन थी, वैसे ही इसमें दिया हुआ है। तो चलिए अब इसको यूज़ करके देख लेते हैं। तो चलिए अब इसको ओपन करके देखते हैं। तो ये कुछ ऐसा है दिखने में। जो ब्लैक साइड है वहाँ से हमें इसको अपने नोज़ पे पेस्ट करना है। सबसे पहले मैं अपनी नोज़ को गीला कर लेती हूँ हॉट वाटर से, और इसके बाद ये जो स्ट्रिप है इसको पेस्ट कर लूँगी। तो ब्लैक साइड से लगाना है। पहले ये जो लेयर है ट्रांसपेरेंट, इसको भी निकाल लेना है। और जब भी आप लगाएं तो मेक श्योर कि कोई भी क्रीज नहीं बनने चाहिए। तो ये मैंने अच्छे से लगा लिया। इसको 10 मिनट तक के लिए लगा के रखना है। 10 मिनट्स हो गए हैं तो मैं इसको निकाल के देखती हूँ कि ये कुछ काम किया भी है या नहीं। तो इसको ऐसे पुल करके निकालना है। देख सकते हो सारे वाइट हेड्स में आ गए हैं। मुझे ब्लैक हेड्स तो वैसे भी नहीं थे, पर वाइट हेड्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो इसने सारे वाइट हेड्स निकाल दिए हैं। ये प्रोडक्ट सच में काफ़ी अच्छा काम करता है। तो अगर आपको ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स की प्रॉब्लम हो तो बिना किसी दर्द के आप बस 10 मिनट में इससे अपने ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स को रिमूव कर सकते हैं। पार्लर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छा काम करता है। एक और आता है जो पूरे फेस के लिए आता है, वो भी मैं ज़रूर ट्राई करूँगी, पर ये तो बहुत अच्छा काम करता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी मैं अपने वीडियोस अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हम मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।